हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडियन ओशन। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि फैक्ट्स अबाउट अटलांटिक ओशन। ठीक है, अटलांटिक ओशन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले ये है कि अटलांटिक ओशन जो है ये इक्वेटर ने डिवाइड किया हुआ है अटलांटिक ओशन को, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में और साउथ अटलांटिक ओशन में। ठीक है, और ये जो है ये लोकेट करता है। ठीक है, ये कहाँ लोकेट करता है? इट इज लोकेटेड बिटवीन द अमेरिका टू द वेस्ट। अमेरिका के वेस्ट में है अब अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन के वेस्ट में है अमेरिका, और यूरोप एंड अफ्रीका जो है वो इसके ईस्ट में है। ठीक है, और इसको इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर जो है जो 0 डिग्री से पास होता है वो अटलांटिक ओशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक पार्ट में ये इक्वेटर हो गया, ठीक है, अटलांटिक ओशन ये नॉर्थ में हो गया, नॉर्थ हो गया ये आपके पास, और ये साउथ अटलांटिक ओशन हो गया। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक, अब देखते हैं हम, ये हमारे पास है लोकेशन मैप है ये। ठीक है, ये हमारे पास अटलांटिक ओशन है पूरा ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर की लाइन है। ठीक, ये देखो, और ये पार्ट जो ये नॉर्थ वाला पार्ट है, और ये है ये साउथ वाला पार्ट। ठीक है, और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ये साउथ अटलांटिक ओशन। और देखिए इसके ये, और इस साइड ईस्ट है, ये हमारे पास क्या आ गई, ईस्ट वाली साइड आ गई। ठीक है, ये हमारे पास ईस्ट आ गया, और ये हमारे पास वेस्ट आ गया, ये हमारे पास वेस्ट आ गया। ठीक, अब देखें अटलांटिक ओशन के ईस्ट में यूरोप और अफ्रीका आ गए। ठीक है, 2 चीज़ें आ गई हमारे पास, इसके ईस्ट में हमारे पास यूरोप है, अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद इसके वेस्ट साइड में क्या आ गया हमारे पास, अमेरिका आ गया। ये देखो, इसके वेस्ट में हमारे पास क्या आ गया, अमेरिका आ गया। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका आ गया। उसके बाद इसके साउथ में देख लीजिए। ठीक है, साउथ में ये इक्वेटर के नीचे वाले साइड साउथ है, और यहाँ हमारे पास कौन सा कॉन्टिनेंट आ गया, साउथ अमेरिका आ गया। ठीक है, और ये क्या करता है, ये इसकी लोकेशन है। ठीक, अटलांटिक ओशन को किस किस के साथ बॉन्डेड है, किस किस के साथ लोकेट किया जाता है, तो यूरोप और अफ्रीका इसके ईस्ट में है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका इसके वेस्ट में है, और साउथ अमेरिका इसके साउथ में है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, कि जो वर्ल्ड अटलांटिक है ये ओरिजिनेट हुआ था कि एक ग्रीक मिथ की वजह से, जिसका मीनिंग ये होता है कि सीज ऑफ एटलस। ठीक है, एटलस वॉज द टाइटेन। ठीक है, एटलस एक क्या था, टाइटेन था, वो हैड टू स्टैंड ऑन द एज ऑफ द अर्थ। वो कहाँ खड़ा हुआ था, उसका ये मानना था कि वो अर्थ के सबसे लास्ट वाले कॉर्नर पर है, एंड कैरी द हेमंस, और वो पूरे हेमंस को क्या कर रहा है कि कैरी कर रहा है ऑन हिज शोल्डर, वो अपने कंधों पे, एज पुनिशमेंट फ्रॉम ज्यूस एंड एटलस हैज फोर्ट अगेंस्ट द ओलंपियाड गॉड्स एंड कंट्रोल द हेमंस। और वो क्या कर रहे हैं, ओलंपियाड गॉड्स के साथ मिलके हेवन को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, और हमें पता चला कि अटलांटिक बोर्ड जो है ये किसकी ओरिजिनेटिंग है, ग्रीक मेथोलॉजी की है, जिसका मतलब है सीज ऑफ ओशन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि द अटलांटिक इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ओशन। ठीक है, अटलांटिक है जो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, किसका, वर्ल्ड का, और 25% क्या करता है ये, कवर करता है अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस का 25% कवर करता है आफ्टर द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के बाद सबसे बड़ा दूसरा ओशन कौन सा है हमारे पास, अटलांटिक ओशन। इन साइज साइज की बात करें तो अटलांटिक ओशन इज कंपेरेबल रफली 6.5 टाइम द लार्ज इन यूएसए। ठीक है, अगर हम साइज की बात करें तो अटलांटिक ओशन का साइज जो है वो 6.5 टाइम द साइज ऑफ यूएसए, यूएसए एज कंपेयर टू यूएसए के से बड़ा है। फिर उसके हम अगर टेम्परेचर की बात है, टेम्परेचर ऑफ द अटलांटिक ओशन डिपेंड्स किस पे करता है, डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑन द ओशनिक करंट। ठीक है, ओशनिक करंट के लोकेशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। नियर द इक्वेटर, जब इक्वेटर के नियर होगी तो वार्मर द वाटर टेंड टू बी। ठीक है, इक्वेटर के नजदीक क्या होगा, वार्मर वाटर होगा। ठीक है, हायर टेम्परेचर होगा। उसके बाद ये हायर टेम्परेचर ऑफ 28 डिग्री सेल्सियस या 82 डिग्री फ़ारेनहाइट रीच इन कोस्टल रीजन। ठीक है, 28 डिग्री टेम्परेचर जो है वो अटलांटिक ओशन में कहाँ पे होता है, कोस्टल रीजन में होता है। ठीक है, ये बात याद रखना, कोस्टल रीजन में होता है नियर द इक्वेटर। एंड मिनिमम टेम्परेचर जो
कम से कम जो टेम्परेचर है अराउंड 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या 28 डिग्री फ़ारेनहाइट इन द पोलर रीजन में होता है, ठीक है। कोस्टल रीजन में 28 डिग्री सेल्सियस होता है और पोलर रीजन में 2 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। उसके बाद है कि द ग्रेटेस्ट डेप्थ, ठीक है, डेप्थ अगर इसकी बात करें हम, वो मिल्विकी डीप है इन पोरेटो रिको में, ठीक। उसके बाद है द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर्स बिटवीन स्पेन एंड मार्को, ठीक है, इन टर्की आर टू मोस्ट वेल नोन वाटर वेज इन द अटलांटिक ओशन, ठीक है। ये अटलांटिक ओशन की क्या है, वेल नोन वाटर वेज है, ठीक है, समुद्री रास्ते जिन्हें कहा कहते हैं, ठीक। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि लीफ एरिक्सन जो थे रिमेम्बर एज द फर्स्ट यूरोपियन, ठीक है, लीफ एरिक्सन जो थे फर्स्ट यूरोपियन थे टू रीच नॉर्थ अमेरिका, जो कहाँ पहुंचे थे, नॉर्थ अमेरिका मोर देन 500 ईयर बिफोर कोलम्बस, कोलम्बस से पहले 500 साल पहले जो थे वो नॉर्थ अमेरिका पहुंचे थे। वो किसी किस रास्ते से पहुंचे थे, इसे अटलांटिक रूट से होते हुए वो नॉर्थ अमेरिका पहुंचे थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट करंट ऑफ अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन की जो इम्पॉर्टेंट करंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये हमारे पास कौन सी करंट होती है, वार्म करंट होती है, ठीक है। उसके बाद साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये हमारे पास ये भी क्या होती है, वार्म करंट होती है। उसके बाद होती है काउंटर इक्वेटोरियल करंट, वो भी क्या होती है, हमारे पास वार्म करंट होती है। फिर हमारे पास गुल्फ स्ट्रीम होती है, ठीक है, ये भी क्या है, हमारे पास वार्म ओशनिक करंट है, ठीक है। कैनरी करंट जो होगी ये हमारे पास क्या है, कोल्ड करंट है। लेबराडोर करंट होगी, ये भी कोल्ड करंट है। उसके बाद है ब्राजील करंट आती है, ये वार्म करंट है। फ्लकलैंड करंट है, ये हमारे पास कोल्ड करंट है। और ये नार्विन करंट है, ये भी हमारे पास क्या होती है, कोल्ड करंट होती है। हमने पहले पढ़ चुका कि वार्म करंट कौन सी होती है और कोल्ड करंट कौन से होते हैं, इसके बारे में हमने हमारे लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। आज भी हमने ये देखा कि अटलांटिक ओशन की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो करंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। चलो ये हमारे पास मैप है, मैप के जरिए हम देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास अटलांटिक ओशन आ गया, ठीक है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट, ठीक है, ये होगी हमारे, ये इस साइड क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। ये सरगोश, ये अटलांटिक ओशन में सर्कुलर वाइज क्या करती है, मूव करती है। ये आपके पास एंटलीज करंट है, ठीक है, और ये आपके पास फ्लकलैंड करंट है, ठीक है, ये इस साइड में मूव करती है। गुल्फ स्ट्रीम में ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और गुल्फ स्ट्रीम दोनों पैरेलल मूव करती हैं, ठीक है। और ये आपके पास कैनरी करंट्स है इस साइड में, ठीक है। ये है आपके पास नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये है काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, जो किसके अपोजिट होती है, ये किसके अपोजिट होती है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के अपोजिट होती है, ये इसकी लोकेशन है। ये आपकी लैब्राडोर करंट, ठीक है, ये ऊपर से नीचे आती है, ठीक है, अटलांटिक ओशन में आती है। और ये ग्रैंड बैंक हो गया, ये गुल्फ स्ट्रीम हो गया, ठीक है। ये करंट है हमारे पास किसके, अटलांटिक ओशन की। अटलांटिक ओशन का हमने आपको बताया था, लोकेशन बताया था, कौन कौन से एरिया को टच करता है, ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो लोकेटेड कहाँ कहाँ है और ये इस रीजन में इसकी क्या है, ये इम्पॉर्टेंट क्या है, करंट्स हैं, ठीक। ये थे हमारे पास अटलांटिक ओशन की कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फैक्ट्स, और इनको हम हमेशा रिकॉल करें, याद करें, और ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए, ठीक है, इसके ये इम्पॉर्टेंट करंट्स होगी, और बाकी इसकी लोकेशन जो है, लोकेशन हमारे पास ये है, इसका नॉर्थ में कौन सी कॉन्टिनेंट आते हैं, साउथ में कौन से आते हैं, ठीक है, ईस्ट में कौन से आगे और वेस्ट में कौन से आगे, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछे जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना। थैंक यू वेरी मच, अगर ये आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।